ये देश बड़े सारे खतरों से गुजर रहा है, अगर मगर ये सवाल वो सवाल ये सवाल पूछना बंद करिए। एक ही ध्यान रखिएगा, राष्ट्र रहेगा तो हम सब लोग नारे भी लगाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे। देश के 500 हिस्सों के अंदर लोग अपना त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। दंगाइयों के कहने से होली मनती है, दंगाइयों के नाचाने से होली नहीं मनती। आप लोगों को अंदाज़ा इसलिए नहीं है कि आप लोग बहुत दूर नहीं हैं, मैं उन तमाम जगह पिछले 25 साल से घूम रहा हूँ। कोशिश कीजिए कि खतरा दरवाजे पे आने से पहले उसका इंतज़ाम करें। जो चीज़ आपके दरवाजे पे आ गई है वो आपके दरवाजे के अंदर भी आ जाएगी। मुर्तजापुर में अपना घर सुरक्षित रखना है तो कोशिश कीजिए कि मुर्तजापुर के अंदर दंगाई और जिहादी न घुसे। एकदम साफ होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं दिमाग में होना चाहिए। ये भाईचारा है, हम सब ऐसे हैं और हम सब वैसे हैं, ये घुट्टी पिला करके इस देश को पिछले 70 सालों से बहुसंख्यक समाज को मूर्ख बना दिया है। और उन्होंने अपना एजेंडा नहीं छोड़ा, आपने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया। आपका प्रधानमंत्री अपनी पहचान पे नहीं शर्माता, खुले में मंदिर में जाता है तिलक लगाता है। आपने चोटी रखना छोड़ दी, तिलक लगाना छोड़ दिया, धोती पहनना छोड़ दी, पूजा करना छोड़ दिया, लेकिन उससे आप बचे नहीं। जो सनकारें, जो देश, जो राष्ट्र, जो समाज अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए कुछ भी करता है, दुनिया उसी को सलाम करती है। क्या बात, भारत माता की जय। आपके प्रधानमंत्री ने ये साबित कर दिया, जिसको अच्छा लगे या ना लगे, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ। एक तरफ मैं 8 घंटे पूजा करके मंदिर से निकलूंगा, तुम्हें बुरा लगता है तो तुम अपनी पद्धति बदल लो, मैं यही रहूंगा। इस ताकत के साथ उसने मैसेज दिया है, एक प्रधानमंत्री होकर के आपसे कह रहा है कि पहचान से शर्माइए मत। जो भी आपकी पहचान है, तो मैं और आप तो एक साधारण से आदमी हैं, हम क्यों तिलक लगाना छोड़ देते हैं, हम क्यों भगवान की पूजा करना छोड़ देते हैं, हमारे ऊपर क्यों सेकुलरिज्म का भूखा बुखार है। ये सेकुलरिज्म आपको एक नशे की गोली की तरह दी गई है जो सिर्फ आपके लिए है। वो कहते हैं संविधान को हम नहीं मानेंगे, हम कुरान शरीफ को मानेंगे। सेकुलरिज्म उन पे नहीं चढ़ता है, सेकुलरिज्म आप पे चढ़ता है। इस सेकुलरिज्म ने आपको 70 सालों में इस देश में यहां पहुंचा दिया है कि आज आप अपने समाज, अपने ही देश में 90% होने के बाद भी हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। आप लोगों ने मुझे बुलाया है, मैं हमेशा, जब आज नहीं कल कहीं और हूं, परसों कहीं और हूं। बहुत प्यारे सर। सर, हम मेरी सिद्धि है सर। अपने बच्चों को समझाइए, उन पे समय दीजिए। जो बच्ची हाई स्कूल में पढ़ रही है, उन माओं से मेरा कहना है, उस बच्ची के साथ दोस्तों से व्यवहार करें। जो भी महिलाएं 10वीं क्लास की बच्ची है, उसको समझाएं, उसके मन के अंदर के सवालों का जवाब दें। ऐसा ना हो कि आपकी माताजी को चमत्कार का शौक हो और वो किसी बाबा को सुनने चली जाएं और वो 10वीं क्लास की बच्ची को कोई पंचर जोड़ने वाला बहका के ले जाए, फिर उसके पास लौटने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी बहन के साथ भी शहर में अच्छी पिक्चर लगी हो तो अपनी बहन से कहिए कि मैं पिक्चर तेरे साथ ही देखने जाना चाहता हूँ। अगर आप उसको पिक्चर नहीं दिखाएंगे तो आप उसकी पिक्चर देखने की इच्छा मार देंगे। वो भी इसी समाज में रह रही है, उसमें भी इच्छाएं हैं। आप अपनी बहन को पिक्चर दिखाने ले जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बहन किसी के मिसगाइड नहीं होगी। और ये पंचर जोड़ने वाले लोग, ये स्कूलों के बाहर नकली कलावा पहनकर जो घूम रहे हैं जिहादी, जिन्हें इसका पेमेंट हो रहा है, वो आपकी बहू बेटी को बहकाएगा। आपकी बहन आपकी दोस्त भी होनी चाहिए। आपको गर्लफ्रेंड बनाने का शौक है, आप गर्लफ्रेंड के साथ घूमेंगे, लेकिन आपकी बहन किसके साथ घूमेगी? फिर उसको कोई ऐसा बेवकूफ बनाएगा कि जिससे उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। फिर आप लव जिहाद की वापसी में लग जाएंगे। आपका जीवन इस काम के लिए नहीं है। उस समस्या को घर में रोक सकते हैं, उस समस्या से घर में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। अगर आपने घर में अवेयरनेस पैदा कर दी तो ना आपका काम बढ़ेगा, और अगर घर की महिला सशक्त हो गई, उसके अंदर ये समझ आ गई कि मुझे मेरे घर का पति, मेरा मेरे घर का बेटा, मेरे घर की बेटी, यही सब कुछ है, तो वो किसी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ेगी। और बाबाओं ने क्या करते हैं ये भी आपको देश में, इसलिए कम से कम अगले 20-25 साल तक देश की महिलाओं से कहता हूं कि सोना पहनना बंद कर दें। एक सोने की चैन इस शहर में आपकी जान ले सकती है।
बड़े सारे भूखे नंगे उपद्रवी घूम रहे हैं जो आपकी चेन खींचेंगे और आपकी जान चली जाएगी। अगले 50 साल तक कोशिश कीजिए, सोना खूब खरीदिए, घर के अंदर रखिए, उसे घर में आने वाले संकट के समय इस्तेमाल कीजिए। कुछ समय के लिए भारत की महिलाएं लोहा पहनना शुरू कर दें, संकट दूर हो जाएगा। आप लोगों ने मुझे